जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले एक नई रिक्रूटमेंट जो कि निकली है इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी में। ठीक है दोस्तों, देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ होम यानी कि होम मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जॉब है दोस्तों। और यहाँ पर सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड MTS की वैकेंसी निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छी खबर आ रही है इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी पोस्ट आई है, किस प्रकार से अप्लाई करना है, सभी स्टूडियो में डिटेल्स जानने वाले। और इसका दोस्तों पहले नोटिफिकेशन आया था लेकिन उसको एक्सटेंड किया है, जो उसका लास्ट डेट है अभी वो बढ़ा दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एज कैलकुलेशन का डेट है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैलकुलेट करने का जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया है उन्होंने। ठीक है, तो आपको समझना होगा यानी कि कौन सी तारीख तक आपको आपका एज कैलकुलेट करना है, वो भी यहाँ पर हम देखने वाले। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर दें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आईबी की यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो यूनिट है उनके हिसाब से यहाँ पर डिफरेंट यूनिट में डिफरेंट वैकेंसीज यहाँ पर आई है। तो आप देख सकते हैं कि अगरतला, अहमदाबाद वगैरह जो है इस प्रकार से है। और यहाँ पर लोकल लैंग्वेज भी यहाँ पर इन्होंने दिया है। ठीक है, तो ये ऐसे यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट है ऊपर वाली, और जो नीचे MTS की वैकेंसी है। ठीक है, और यहाँ पर लोकल लैंग्वेज यानी कि जिस भी जगह से आप अप्लाई करेंगे वहाँ का लोकल लैंग्वेज का नॉलेज आपको होना चाहिए और उस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल भी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि देखिए दोस्तों अगर आप अमृतसर में अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए पंजाबी लैंग्वेज आपको कंपलसरी आना ही चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वैकेंसी दी गई है। देखिए अनरिजर्व में वैकेंसी है, OBC नॉन क्रीमियर में वैकेंसी है, देन SC ST EWS और टोटल यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए टोटल 37 इनके यूनिट्स है, 37 यूनिट्स में ये वैकेंसी निकलेगी। और टोटल जो वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर वो है 1525 सिक्योरिटी असिस्टेंट की, और MTS की जो टोटल वैकेंसी वो है 150। ठीक है, 150 टोटल यहाँ पर वैकेंसी है MTS की। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर ये टोटल वैकेंसीज आई है। तो चलिए इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं दोस्तों, आगे देखते। तो देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट, तो यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी असिस्टेंट का पहले देख लेते। तो ये जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी नॉन ग्रेजुएटेड नॉन मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है, और लेवल 3 की यहाँ पर सैलरी मिलने वाली यानी कि 21,700 से लेके 69,100 रुपीज़ तकरीबन आपका यहाँ पर 30,000 के आसपास सैलरी बनेगा पर मंथ, प्लस अलाउंस वगैरह जो वो मिला के। ठीक है, और जो MTS है, MTS जो है वो भी लेवल 1 की पोस्ट है, 18,000 से लेके 56,900 रुपीज़ का यहाँ पर पे बैंड है, यानी कि इसमें आपको तकरीबन 23,000 से 25,000 पर मंथ सैलरी बनेगा MTS का। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पर मैट्रिकुलेशन 10th पास आपका होना चाहिए और इक्विवेलेंट। ठीक है, मैट्रिकुलेशन हो या फिर इक्विवेलेंट हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और आगे देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पोजीशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ दैट स्टेट अगेंस्ट विच कैंडिडेट हैज अप्लाई, यानी कि जिस जगह पे आप अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि उस स्टेट के आप रहवासी होने चाहिए। ठीक है, वहाँ का आपका जो सर्टिफिकेट होता है डोमिसाइल वो होना चाहिए वहाँ का। और प्लस देखिए नॉलेज ऑफ एनी वन ऑफ द लोकल लैंग्वेज जो मेंशन किया है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए, यानी कि देखिए ये जो टेबल है इसमें जो भी ये लैंग्वेजेस दिए अगर आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे शिमला में तो इनमें से कोई एक लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, और वहाँ का डोमिसाइल भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड MTS दोनों के लिए लैंग्वेज आपको आनी चाहिए वहाँ की लोकल लैंग्वेज, एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और 10th पास या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए। एज लिमिट देखिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पर पहले फील्ड एक्सपीरियंस अगर है इंटेलिजेंस वर्क में तो आपको यहाँ पर डिजायरेबल यानी कि प्रेफरेंस मिलेगा, ये कंपलसरी नहीं है, इसेंशियली कंपलसरी होता है ये डिजायरेबल, यानी कि अगर है तो प्रेफरेंस मिलेगा, अदरवाइज नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हो, MTS के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, एज लिमिट देखिए जो सिक्योरिटी असिस्टेंट है उसको 27 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो जनरल वाले। ठीक है, जनरल और जो EWS होता है वो लोग 27 ईयर तक अप्लाई करेंगे, और ये कब तक कैलकुलेट करना है वो डेट भी मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि वो डेट चेंज हो गया अभी, इसलिए तो जनरल एन EWS वाले 27 ईयर तक अप्लाई करेंगे सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, और जो OBC वाले हैं उनको 3 ईयर का रिजर्वेशन होता है यानी कि वो 30 ईयर तक अप्लाई करेंगे, और जो SC एंड ST वाले हैं वो लोग यहाँ पर 32 ईयर तक अप्लाई करेंगे क्योंकि उनका 5 ईयर का रिजर्वेशन होता है, तो 32 ईयर तक वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए MTS पोस्ट के लिए, तो अगर हम MTS के लिए देखें तो MTS के लिए देखिए 18 से लेकर 25 साल यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, 18 से 25 साल, तो जो जनरल वाले एंड जो EWS वाले हैं उनके लिए है ये 18 से 25 साल, कम से कम 18 और मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप OBC से हो तो आपको अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी। ठीक है, यानी कि मिनिमम 18 तो होना चाहिए, 18 से प्लस ही होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम OBC के लिए 3 साल का रिजर्वेशन होता है, तो
ओबीसी वाले जो है वो यहाँ पर 28 ईयर तक अप्लाई करेंगे, और जो एससी एसटी वाले हैं उनको 5 ईयर का यानी कि वो 30 साल तक यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे एमटीएस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर एज रिलैक्सेशन हमने देख लिया है। ठीक है, आगे देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखिए सबसे पहले होगा दोस्तों यहाँ पर टीयर वन जो कि कॉमन रहेगा, सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एमटीएस दोनों पोस्ट के लिए कॉमन होगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जामिनेशन अगर हम देखें यहाँ पर, देखिए ऑनलाइन एग्जाम होगा, एमसीक्यू टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 5 सेक्शन आएंगे यानी कि 5 सब्जेक्ट आएगा, और हर सेक्शन से 20 क्वेश्चन आपके आएंगे और हर क्वेश्चन को 1 मार्क्स रहेगा, यानी कि इस प्रकार से टोटल आपके कितने हुए, 100 क्वेश्चन हुए, 100 मार्क्स के लिए यहाँ पर ही आएंगे। ठीक है, और सॉल्व करने के लिए मिलेगा 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। तो 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ 60 मिनट मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रिपेयर करना है। और सब्जेक्ट देखिए जनरल अवेयरनेस आएगा, देन क्वांटिटेटिव, देन न्यूमेरिकल एनालिटिकल लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग यानी कि रीजनिंग आएगा, देन इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल स्टडी यानी कि जीएस जो है वो आएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, 1/4 यानी कि 0.25 का यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होने वाला है हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। ठीक है, तो ये तो होगा प्री एग्जामिनेशन यानी कि टीयर वन। आगे टीयर टू का भी इन्होंने दिया है, तो टीयर टू जो है दोस्तों वो कॉमन रहेगा, सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एमटीएस दोनों के लिए ये भी कॉमन है, लेकिन ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा। तो देखिए ऑफलाइन एग्जाम डिस्क्रिप्टिव टाइप ये होगा, तो इसमें देखिए ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज ऑफ 500 वर्ड फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, यानी कि इसमें क्या रहेगा, एक पैसेज आपको दिया रहेगा जो कि इंग्लिश में दिया रहेगा और इसको आपको आपके लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, और दूसरा एक रहेगा जो लोकल लैंग्वेज में रहेगा उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो ये दोनों रहेगा। ठीक है, तो ये दो पैसेज आपको ट्रांसलेट करने होंगे और इसमें आपको मिलेगा 40 मार्क्स, 1 घंटे में ये आपको करना होगा। ठीक है, और देखिए टीयर टू जो है पार्ट ऑफ टीयर टू फॉर एस यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए ही ये होने वाला है, वो है स्पोकन एबिलिटी टू बी पास एट द टाइम ऑफ द टीयर थ्री एग्जाम इंटरव्यू या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। ठीक है, तो उसमें ये स्पोकन एबिलिटी टेस्ट किया जाएगा और ये सिर्फ सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए ही होगा, 10 मार्क्स का ही होने वाला है, और टीयर थ्री होगा सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए जिसमें इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, तो स्पोकन एबिलिटी का टेस्ट होगा एंड उसके बाद में फिर इंटरव्यू या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट जिसको बोला जाएगा ये होता है, तो इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का होने वाला है। तो ये सिर्फ सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए है, और जो एमटीएस की पोस्ट है दोस्तों उसके लिए सिर्फ और सिर्फ टीयर वन होगा जिसमें ये सब्जेक्ट आएंगे, और उसके बाद में फिर ये टीयर टू होगा जिसमें आपको सिर्फ एक पैसेज का ट्रांसलेशन करना है, आपकी लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो ये दो ही यहाँ पर एग्जाम होने वाले एमटीएस के लिए, और जो सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए उसके लिए, और जो सिक्योरिटी असिस्टेंट है उसके लिए सभी एग्जाम होगा, स्पोकन एबिलिटी टेस्ट भी होगा और इंटरव्यू भी होने वाला है। ठीक है, और जो कट ऑफ रहेगा दोस्तों, कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर देखिए टीयर वन का वो 35 है, अनरिजर्व के लिए ओबीसी के लिए 34, एससी एसटी के लिए 33 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 35 रखा गया है। ठीक है, इस प्रकार से, और अप्लाई देखिए कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर जाना है, www.ehbhe.gov.in यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का वेबसाइट है वहाँ पर जाना है, या फिर www.ncs.gov.in इस पर भी जाके आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अभी एप्लीकेशन नहीं चल रहा है, एप्लीकेशन जब स्टार्ट होगा तब से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, एग्जामिनेशन फी देखिए यहाँ पर 50 रुपये एग्जामिनेशन फी है, तो दो कंपोनेंट में यहाँ पर ये एग्जामिनेशन फीस ले रहे हैं दोस्तों। तो एग्जामिनेशन फी इसका 50 रुपये ही है, लेकिन जो प्रोसेसिंग चार्जेस है वो 450 रुपीज़ है, तो इस प्रकार से आपको टोटल 500 रुपीज़ पे करना है। ठीक है, तो देखिए कैटेगरी यानी कि ऑल कैंडिडेट मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी वाले, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी वाले, इन सबको ये 500 रुपीज़ पे करना। और मोड ऑफ पेमेंट देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और पहले इसका जो लास्ट डेट था वो 10 फरवरी था, लेकिन अभी इसको एक्सटेंड कर दिया है, वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये नोटिफिकेशन यहाँ पर आया, अच्छी वैकेंसी है और अप्लाई करना चाहते हो तो ज़रूर अप्लाई करिए। तो इसका सिलेबस का वीडियो जल्दी दोस्तों मैं लेकर आऊँगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, सिलेबस जल्दी मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएगा इसका। ठीक है, और पूरा मैं आपको टॉपिक वाइज वहाँ पर बता दूंगा, यानी कि कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, वो सब मैं डिटेल से वहाँ पर डिस्कस कर दूंगा, तो वही टॉपिक्स आपको करने हैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट जो डेट है वो देख लेते हैं। देखिए ये अभी का नोटिस है, इनका लेटेस्ट नोटिस है। तो देखिए एप्लीकेशन पोर्टल विल नॉट बी ऑपरेशनल फ्रॉम 21 जनवरी 2023 ड्यू टू टेक्निकल रीजन, यानी कि कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से 21 जनवरी को ये एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट होने थे, लेकिन वो नहीं हो सके कुछ टेक्निकल
रीज़न की वजह से। लेकिन अभी जो है दोस्तों वो सेम ओल्ड गो लाइव फ्रॉम यानी कि वो स्टार्ट होने वाले हैं 28 जनवरी से, ठीक है। तो 28 जनवरी से आपके फॉर्म अप्लाई करना जो वो स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट इसका 17 फरवरी 2023 रखा गया है, ठीक है। तो पहले 10 फरवरी था लेकिन अभी 17 फरवरी लास्ट डेट रखा गया है। और इसी वजह से दोस्तों देखिए द न्यू क्लोजिंग डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट इन टर्म ऑफ द एज लिमिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैलकुलेट करने का जो डेट है मे बी रीड एज 17 फरवरी 2023 इन प्लेस ऑफ 10 फरवरी 2023। यानी कि आपको जो एज है, ठीक है, एज और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो आपको 17 फरवरी से कैलकुलेट करना है, ठीक है। 10 फरवरी से नहीं कैलकुलेट करना, 17 फरवरी से कैलकुलेट करना है। यानी कि कोई जनरल का कैंडिडेट है और वो MTS के लिए अप्लाई कर रहा है तो MTS के लिए एज लिमिट क्या है, 25 साल, ठीक है। लेकिन अगर उसका 17 तारीख से पहले 25 साल कंप्लीट हो जा रहे और उसका 26वां साल जो है वो स्टार्ट हो चुका है 17 तारीख से पहले, तो वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता। पहले क्या था कि 10 फरवरी था लेकिन अभी 17 फरवरी है, तो अगर उसका 17 फरवरी से पहले 25 साल कंप्लीट हो जा रहे तो वो अप्लाई यहाँ पर नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चेंजेस हुए हैं, तो ये ध्यान में रखिए दोस्तों, 17 फरवरी से पहले आपकी उम्र जो है वो जो एज क्राइटेरिया रखा है उसको फुलफिल करनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जो 25 साल या फिर 27 साल रखा गया है उसको आप क्रॉस नहीं करने चाहिए 17 फरवरी से पहले, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको और उसी प्रकार से आपको फिर अप्लाई करना है। और अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, ज़रूर अप्लाई करिए अगर आप एलिजिबल हो तो, ठीक है। तो सिलेबस का वीडियो जल्दी मैं उसका लेके आऊँगा, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।